हेलो एवरीवन सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाला है टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी के क्वेश्चंस जो आपके एम टी वन में पूछे गए थे जाजूस प्रोफेशनल एकेडमी का जो अपना एम टी वन था वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे है कुछ तेरह या चौदह क्वेश्चन थे टाइम वैल्यू ऑफ़ मनी के अराउंड तो उसको देख लेते हैं फटा फटाफट से कैसे सॉल्व करना है क्या करना है कहाँ कहाँ क्वेश्चन थे रैंडमली पूछे गए थे तो एक एक पिक करके हम सॉल्व करते हैं चलिए फटाफट देख लेते हैं सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फोटीन नंबर पे पहला टीवीएम का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा तो क्वेश्चन पढ़ लेते एक बारी मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बता रहा है लैंग्वेज क्या है और फिर उसको समझना क्या है ये सब चीज़ें आपको समझा के दे रहा हूँ और हैंड रिटन नोट्स में अपन उसको कम्प्लीट करेंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो है एट बिकम्स टेन इन टू ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट पहले तो ये सिंपल इंटरेस्ट का है दो साल का टाइम है आपके पास दैट यहाँ पे हो गया एक डेटा ये एक डेटा दिया है आपको सेकेंड द अमाउंट दैट विल बिकम सिक्स अमाउंट दैट विल बिकम दैट विल बिकम सिक्स इन थ्री ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अब देखो पहला जो पार्ट है पहला जो पार्ट है उसमें से आपको आर फाइंड आउट करना है यहाँ पे आपको आर कितना है वो फाइंड आउट कर लीजिए और सेकेंड पार्ट में बताइए कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल का वैल्यू है प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे अमाउंट पे मत जाना यहाँ पे प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू वो पूछ रहे हैं जो छ हो जाएगा तीन साल के ड्यूरेशन में सेम इंटरेस्ट रेट से तो पहले आपको आर फाइंड आउट करना है तो फटाफट से चलते अपन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है आपका टाइमलाइन से सॉल्व कर रहा हूं मैं तो आपका एट थाउजेंड का अमाउंट कितना हो जाएगा टेन थाउजेंड तो इसका मतलब दो साल में मिलके दो हजार रुपए आपको पूरा की पूरा सिंपल इंटरेस्ट मिला रहेगा क्लियर नाउ दो साल में मिला है इसका मतलब हर साल थाउजेंड थाउजेंड रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिला है अगर आठ हजार पे अगर आठ हजार पे थाउजेंड रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है तो आर कितना है तो वन थाउजेंड डिवाइड बाई एट थाउजेंड परसेंट तो 12.5 फाइव परसेंट पर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ये आ गया आपका इंटरेस्ट रेट पहला पार्ट सॉल्व हो गया सेकेंड पार्ट अब ऐसा कौन सा अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करोगे तो वो इंटरेस्ट के साथ सिक्स एट सेवन फाइव हो जाएगा तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है तो भाई याद रखना यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आएगा p इंटू एन इंटू आर आपको p फाइंड आउट करना है कैसे सिक्स एट सेवन फाइव क्या यही अमाउंट है 6, 8, 7, पी इंटू थ्री ईयर्स इंटू ट्व पॉइंट फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए चलिए सिक्स एट सेवन फाइव माइनस पी फिर थ्री इंटू ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट तो ये हो जाएगा पॉइंट थ्री सेवन फाइव पी इस माइनस पी को इधर लेके चलते हैं तो वो प्लस पी हो जाएगा तो इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस नाउ पी को एक साइड रख देते हैं सिक्स एट सेवन फाइव डिवाइड बाई वन पॉइंट थ्री सेवन फाइव एंड योर आंसर शुड बी सिक्स एट सेवन फाइव डिवाइडेड बाईं थ्री सेवन फाइव योर आंसर शुड बी फाइव थाउजेंड डन पाँच हजार अगर इन्वेस्ट करते हो तो तीन साल में ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट के सिंपल इंटरेस्ट से वो सिक्स एट सेवन फाइव बन जाएगा डन पहला क्वेश्चन आसान था दो स्टेप्स में सॉल्व करना था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्या पूछा है यहाँ पे अगेन क्वेश्चन के डेटा को डिवाइड कर लो अ सम ऑफ मनी डबल्स इट्स सेल्फ इन टेन ईयर्स अ सम ऑफ मनी डबल्स इट्स सेल्फ इन टेन ईयर्स उसके बाद में द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड बी एट टाइम्स इट वुड बी एट टाइम्स आठ गुना रहेगा ऑफ इट्स सिंपल इंटरेस्ट दिया है चलो इसको भी मैं दो तरीके से सिखा सकता हूँ आपको तो पहला है आपका टाइम वैल्यू टाइम लाइन्स है टाइम लाइन्स है तो देखो अगर जीरो डेट पे आपने जीरो डेट पे आपने अगर इन्वेस्ट करके रखा है तो इसको टू पी मतलब ये अमाउंट पी प्लस आई होने के लिए दस साल लग जाते हैं तो इस इक्वेशन में जो बैलेंसिंग फिगर है पी तो देखिए यहां पे 10 साल में ये हर बार एक ऐड करते चलेगा तो आपको ये जो क्वेश्चन पूछा पूछा है, ये एट पी कब तक हो जाएगा एट पी कब तक हो जाएगा तो लेटेस्ट डू वन थिंग हर बार अगर पी ऐड करते गए तो कितने साल तक चलेगा ऐसा कार्यक्रम देखते चलिए तो ये जीरो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ सो ऑन और कैलकुलेट करते चलिए कितने पे एड करने हैं देखो पहले पोर्शन में जीरो से लेके पहले साल दस साल में